बिखमापुर ग्राम सभा में बड़े भाग से प्रभु की चर्चा होने वाला है और प्रभु की चर्चा बड़े भाग से होता है, बड़े भाग वालों को होता है। जिसके घर में अगर प्रभु की चर्चा हो उस घर में बड़ा आनंद ही आनंद होता है। जहाँ प्रभु की चर्चा होता है वहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ शैतान की चर्चा होती है वहाँ शैतान रहते हैं। तो यहाँ प्रभु की चर्चा होने वाला है और जहाँ प्रभु की चर्चा होता है, जिस घर में प्रभु की चर्चा होता है उस घर में भूत बैताल शैतान नहीं रहते हैं। और जिस घर में प्रभु की चर्चा नहीं होगा उस घर में शैतान बैताल सब रहेंगे। तो आज का नंबर राजा राम का नंबर हरिलाल, आज हरिलाल के घर में भाई प्रभु की चर्चा होने वाला है और होने जा रहा है। लेकिन आज कितने दिन से हरिलाल लगे हुए हैं, आज प्रभु की कृपा हुआ कि प्रभु भक्तों के भाव में जब विभोर होते हैं तो भक्तों को कुछ देने के लिए बुलाते हैं, और बुलाते हैं तो फिर भी अगर भक्त कोई काम में विघ्न रहता है, नहीं पहुंच पाता है, तो भगवान ऐसे दयालु हैं उसके घर पे चले जाते हैं स्वयं देने के लिए। भगवान कहीं आकाश पाताल में नहीं रहते हैं, भगवान तो अपने भक्तों के पास रहते हैं। ये तो हमारी तुम्हारी भूल है जो प्रयागराज मथुरा काशी में ढूंढ रहे हैं प्रभु को। प्रभु प्रयागराज मथुरा काशी में नहीं है, प्रभु हमारे तुम्हारे पास हैं। लेकिन आज सावन लग गया है, यह समय पूरा सड़क लाल दिखाता, पियर दिखाता, भाई सब शंकर जी के प्यास मिटाने में लपटे हैं। और 11 महीना शंकर जी बिचारू प्यासा रहे ना, विशाल भरे में एक दैया सावन आई बा, सब पियावत लगा है। अब देखा साल भरे संति सावन पियाई दे ही। लेकिन एक बात ध्यान से देखा जा और सुनत जा कि आज 3 साल के पहले 3 साल से कंवरिया बाबा कम हो गया रहन, कम जादरन, एक साल हड़िया में बहुत मरान रहन, उर्दी निकाल के साइड पैरा के दरोगा पुलिस मारे और भरन गाड़ी में से निकाल हड़िया में, कितना रोटवा पर हटते ना रहन, मर गए एक्सीडेंट भवा। यहाँ से 3 साल जब नहीं गए तो 3 साल लगातार बारिश बढ़िया भाई है नहीं भाई है, हाँ 3 साल बढ़िया बारिश हुआ। और यह साल गुरुजी आप सबके हाथ 2-3 महीना पहले से बोल दिए थे कि यह साल बारिश कम होगा, बोले रहे नहीं बोले रहे, इसलिए कि यह साल शंकर जी तारा पोखरा इनारा कुआं में पिए जिए दे हैं, तो लोग लोटा भर भर बाइजू नाथ बासुकी नाथ सीतामढ़ी सेमराध नाथ कुल ढोल ढोल पहुँचावत हैं। और शंकर जी घबराए गए कि जब यहाँ हमारा इतिहास मिटा सकत हैं, यहाँ की जिए पिए दे इनारा पोखरा में और कुल ढोल ढोल हमारे लगे पहुँचावत हैं, तो ये शंकर जी घबराए गए तो कहें जब यहाँ के कुल पिए जिए दे कुल हमारे लगे ढोल ढोल पहुँचावत हैं, एक मतलब यहाँ जरूरत ना न, यही बदे यहाँ साल पानी कम बरसत है, शंकर जी घबराए गए हैं। अब यहाँ साल कंवरिया वाल बड़ा है और यह देख कान खोल के देख सुन और ज्ञान से देख तो दिखाता जाए सड़के पता लगा ले, जितना कांवर वाले हैं जितना बैजू धाम सीतामढ़ी सेवराधनाथ बासुकीनाथ जात हैं, जाए के रोड पर पता करावा और पता कर ले पूछ ले, 90 पैसा शराबी गजेड़ी जात है,
का हो जाए पता लगा ले 90 पैसा शराबी गजेड़ी जात हैं यही वाले बहाने घरों से मिल जाता 1000 रुपया। ए भैया कौन लगे थे दाई दे है? और जात हैं तो गम दम पर दम मिटी बा, दम पर दम मिटी बा। 11 महीना ला मुर्गा ला दारू ला अंडा ला जुआ ला शराब। और जब सावन लगता तब बोल बम का नारा है बाबा हमारा है। घबरा मत जेके 10 लग गए उनके 2 लग गए। जब 11 महीना चढ़े तो 1 महीना बड़ा पूजा करत जाते हैं, और जब 11 महीना चढ़े तब देखिए के बचावत तो ऐसे उनके है तब का कही अरे यार पैदल ही जा रहे गोड़े में छाला पड़ के शंकर जी हमार रक्षा नहीं करत हैं। शंकर जी चाहे हनुमान जी केकर रक्षा करिए जाना था संतन का रक्षा करी असुरन का विनाश करी। लेकिन यह समय 90 पैसा लोग असुर हो गए हैं, 90 पैसा असुर हो गए हैं। देख रहे हैं कि भाई आज प्रभु की चर्चा भगवान कहाँ बसेंगे भाव में। जहाँ भरम है वहाँ भूत है, जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। लेकिन सबके अंदर भरम गूंज रहा है, भरम गूंज रहा है भाई। एक चीज यहाँ DJ बजाई तो देखा भाई इतना भीड़ लग जाए कि अब कहा बताई। लेकिन प्रभु चर्चा होता तो भैया क्यों हर घूमा तक के हर घूमा तैयार करनी क्या बाबा है देखा मतलब गुरु जी के बात ना ही सुनाता ना ही सुनाता तो काहे कि ना ही सुनाता कि यहाँ जन्म का पाप नहीं ओकरे पूर्व जन्म पाप चढ़ावा जौन की गुरु जी की बात ना ही अच्छा लगता। अब अच्छा लग जाए ना तो जीवन सुधर जाए। बड़े भाग से मानुष तन मिलावा फिर मिलने वाला नहीं है। लेकिन आज मानव से दानव हो गया वह संसार, मानव से दानव हो गया वह संसार। अब चिल्लाता बचाओ बचाओ। अगर महामार से बचे को तो अभी समय है। कहन जब से जात रही बही जब से चेता तब सही अब उसे चेत ले जा। लेकिन यहाँ देखा ताई भैया अब संसार में देखा ताई पूजा पाठ तो बहुत जोर शोर से होता। लेकिन अब हाँ जौनी दिना कांवर सावन पूरा हुए, सावन जब से पूरा ना तब तक जीव लव लिया था कई दिना कहिया बीता ही सावन वहाँ कहते सावन में सब बंद कह दे है। अब सावन गिना था कई दिन बीता बा से साल दू सावन लग गा बा गिनत जा और बढ़ाए देन भगवान एक सावन गिने। आप भैया जिकर मुर्गा दारू नशा बा उ तो सावन गिना था कहिया खत्म हो और जब खत्म हो तो भंडारा करत हैं भंडारा करी तो भंडारा के से भैया इसे कुछ न होए। अगर अपन अपन कर्म न सुधारत जाब अपन अपन विचार न सही कर जाब तो भंडारा केस कुछ होए वाला नहीं न। सबसे पहले हम लोग अपना विचार शुद्ध करें, अपना अपना कर्म शुद्ध करें। हम लोग पूजा तो करते हैं लेकिन किसकी पूजा करते हैं, किसकी पूजा करना चाहिए। अगर जीवन में महामार से बचेबा तो पहले जीवन में पहले सदगुरु खोजिए। जीवन में महामार से बचना है तो सदगुरु की तलाश करें, क्योंकि सदगुरु मिल जाएंगे तो सही बात बताएंगे, सही रास्ता बता देंगे। लेकिन हम लोग सदगुरु की तलाश में नहीं पड़े हैं, कुल गुरु के चक्कर में पड़े हैं। कुल गुरु कौन है? जैसे भाई कुल गुरु हैं मास्टर साहब कहें भाई चलो हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम्हें विकास करता हूँ जीवन में तुम्हारे। कहें बच्चा चलो तुम्हारे जीवन में विकास कराता और एक जीरो लगाओ कितना हो जाएगा और एक ही लगाओ एक ही और लगाओ एक ही और लगाए दे लखपति करोड़पति। एक के आगे एक जीरो लगाओ लगाओ लखपति करोड़पति हो गए। लेकिन गुरु सतगुरु क्या कहते हैं? सतगुरु कहते हैं बच्चा जो एक उठगाते चले गए आप उसे नहीं जानते कितना बड़ा मदारी है। तो ठीक है तुमने बहुत विकास किया, जीवन में बहुत विकास किया है,
आपके जीरो में जीरो लगाते लगाते लखपति करोड़पति बना दिए, आपके जीरो में हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने विकास किए हैं, आपके जीरो में हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन जो एक कुठगाते चले जा रहे हो, उसे हम आप नहीं पहचान पा रहे हो तो ठीक है, जो एक कुठगाते चले जा रहे हो कितना बड़ा मदारी वो के नहीं पहचानत है तो ठीक बात। सदगुरु क्या कहते हैं, कहते हैं बच्चा तुम्हारे जीवन में जो विकास किए हैं, जीरो लगा कर लखपति करोड़पति बना दिए, आपके जीरो में हाथ नहीं लगाएंगे, हम छुएंगे नहीं, लेकिन एक को बगल कर लेता हूँ, कितना हुआ, एक को बगल कर लिया कितना हुआ, जीरो माने। लेकिन आज जीरो के पीछे लोग दीवाना हो गए हैं, जो एक को छोड़कर जीरो के पीछे दीवाना हो गए हैं, जब एक को नहीं जान पाए तो जीरो माने कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ नहीं है उसी के पीछे मनुष्य दीवाना हो गए हैं, जो सब कुछ पहचान सब कुछ कर रहा है उसे नहीं जान पा रहे हैं। तो सब कुछ जानना है तो सबको पहचान करना है तो अपने अंदर झांको, अपने अंदर कितना बड़ा मदारी बैठा हुआ, कितना बड़ा मदारी बा, डमरू बजा हुआ था, बंदर बंदर ही ना उठा था बैठा था, जो डमरू बंद कर दे पता उन्हें चले कहाँ बैठा आया।